नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, लंदन का ट्रेडिंग हॉल द रिंग होगा बंद, राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह आज, बजट से पहले 30 जनवरी को होगी एक सर्वदलीय बैठक, किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की बातचीत। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में धातुओं की कीमत तय करने वाला लंदन का ट्रेडिंग हॉल द रिंग होगा बंद, अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होगी धातुओं की ट्रेडिंग। अमेरिका में आज है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह, समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में किया गया अभूतपूर्व सुरक्षा का इंतजाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश में 6 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, करीब 1000 में दिखा साइड इफेक्ट। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, बोले उनके बलिदान साहस को नमन। नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा ट्रैक्टर रैली का मसला। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रेल मंत्रालय ने बदला कालका मेल का नाम, अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी ये ट्रेन। बजट से पहले 30 जनवरी को होगी एक सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता, बैठक में सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को कराएगी अवगत। देश में कोरोना मामलों की रिकवरी दर बढ़ी, बीते 24 घंटे में आए 13,823 नए मामले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जैव चिकित्सा कचरा प्रबंध नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के दिए निर्देश, सिर्फ अधिकृत एजेंसियों द्वारा किया जाएगा कचरे का निपटान। भारत आज भूटान, नेपाल, म्यांमार सहित 6 पड़ोसी देशों को भेजेगा कोरोना वैक्सीन, अन्य देशों को भी जल्द की जाएगी आपूर्ति। यूपी के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आज पीएम मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 6.1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में करेंगे 2,690 करोड़ रुपए की धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर। कश्मीर के बाद बंगाल चुनाव में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बतौर मुस्लिम चेहरा बिहार में शाहनवाज हुसैन को आगे कर होगा एक नया राजनीतिक प्रयोग। अयोध्या के राम मंदिर के लिए मुस्लिम समाज भी जमा कर रहा है चंदा, गंगा जुमनी तहजीब का भी प्रतीक होगा ये भव्य राम मंदिर। दिल्ली 2020 मामले में गिरफ्तार आप नेता ताहिर हुसैन की न्यायिक हिरासत बढ़ी, उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित कई आरोपियों की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 फरवरी तक बढ़ाई सजा। किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़हुनी ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर होगी परेड, रास्ता नहीं मिला तो तोड़ने पड़ सकते हैं बैरिगेट्स। बिहार के रुपेश मामले में नीतीश कुमार ने डीजीपी से ली स्टेटस रिपोर्ट, अन्य जिलों में भी इस तरह के लंबित मामलों में तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के दिए आदेश। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर बल्लेबाज शिखर धवन ने जाहिर की खुशी, वाराणसी में किए बाबा काल भैरव के दर्शन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने टीम इंडिया को अपनी टीम से किया सावधान, कहा असली टीम कुछ हफ्तों में आ रही है, इससे हराना होगा अपने घर में। दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की बहन करिश्मा के बाद अब शर्लिन चोपड़ा ने लगाए डायरेक्टर साजिद खान पर गंभीर आरोप, बोले फिल्मी प्रलोभन देकर करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि। सारा अली खान ने शेयर किए मालदीप वैकेशन के फोटो, बोल्ड लुक पर फैंस ने खूब किया रिएक्ट। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।